नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जंडियाला गुरु के तरनतारन रोड पर एक नौजवान की मौत का मामला आया सामने। पारिवारिक सदस्यों ने लूट की नीयत से हत्या का लगाया आरोप। मोगा के रत्न सिनेमा के पास गोली लगने से दो युवक हुए घायल, एक की इलाज के दौरान हुई मौत। जालंधर के अधीन आते कटरा मोहल्ले में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक पर कुछ युवकों ने किया हमला, चली गोलियां। और अब हलचल विस्तार से। जंडियाला गुरु के तरनतारन रोड पर एक नौजवान की मौत का मामला सामने आया है। मृतक के पारिवारिक सदस्यों का कहना है कि ये लूट की नीयत से किए गए कत्ल का मामला है। मृतक की पहचान हरदीप सिंह निवासी जंडियाला गुरु के तौर पर हुई है। मृतक हरदीप के पारिवारिक सदस्यों का कहना है कि उनका लड़का बैंक में काम करता था। जब वह रात के समय घर नहीं आया तो वह उसकी तलाश में घर से निकले पर वह नहीं मिला। सुबह एक निजी अस्पताल से पता चला कि उनका बेटा मरा हुआ है। उन्होंने कहा कि उनके बेटे का बैग लूटने की नीयत से उसका कत्ल किया गया है। उसका पर्स और मोबाइल फोन भी गायब है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि उसका कत्ल लूट की नीयत से किया गया है। गौरतलब रहे कि मृतक ने सिर पर हेलमेट पहना हुआ था, जो घटना स्थल से लगभग 50 गज की दूरी पर बरामद हुआ है और उसकी एक्टिवा पर भी कोई निशान नहीं पाए गए। मौके पर चौकी जंडियाला गुरु के इंचार्ज ने बताया कि ये हादसे का मामला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद बनती कार्रवाई की जाएगी। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। डॉक्टर ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਆਉਣ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤੋਂ ਜੋ ਆਊਗੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਊਗੀ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜੀ, ਬੈਂਕ 'ਚ ਆਉਣ ਡਿਆ ਸੀ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਨਾ। ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਬੈਂਕ 'ਚ? ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਨੇ HDF 'ਚ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਆਉਣ ਡਿਆ ਅਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਬੰਦੇ ਪੈ ਗਏ ਉਹਨੂੰ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੱਟਾਂ ਸੁੱਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਵਾਵਾ। ਤੋ ਰਾਤ ਕਿਸੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਜਾਣੀਆਂ ਲੱਗ ਗਏ, ਸਰਪੰਚ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਅਮੀਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਦਾਖਲ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ? ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਜਾਣੀਆਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਬੇਟੇ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 24 ਸਾਲ ਆਈ ਹੈ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਦੇ? ਨਹੀਂ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਸੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਪਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਸੱਟਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਸੱਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲਾਈਆਂ ਵੀ ਸਿਰ 'ਚ ਆ। ਜੇ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਨਿਕੱਲਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਖੂਹ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖੋਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਪਤਾ ਬੰਦਾ ਡੇਪਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਖੋਹ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਪੱਕੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ। ਮੋਗਾ ਕੇ ਰਤਨ ਸਿਨੇਮਾ ਕੇ ਪਾਸ ਗਤ ਰਾਤਰੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣੇ ਕਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਹੀਂ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣੇ ਸੇ ਦੋ ਯੁਵਕ ਘਾਇਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨਮੇਂ ਸੇ ਇੱਕ ਕੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸੇ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਬਕਿ ਦੂਸਰੇ ਯੁਵਕ ਕਾ ਇਲਾਜ ਮੋਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣੇ ਕੇ ਕਾਰਨੋਂ ਕਾ ਅਭੀ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਵਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਕੀ ਜਾਂਚ ਮੇਂ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਵਹੀਂ ਘਾਇਲੋਂ ਮੇਂ ਵਿਕਾਸ ਜਿੰਦਲ ਕੇ ਪੇਟ ਮੇਂ ਗੋਲੀ ਲਗੀ ਥੀ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਕਾਸ ਜਿੰਦਲ ਕੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਬਕਿ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਟਾਂਗੋਂ ਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸਕਾ ਮੋਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਮੇਂ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਹਾ ਹੈ। वहीं पुलिस जांच अधिकारी इकबाल सिंह ने बताया कि किन कारणों से गोली चली है अभी उसका कोई पुष्टि नहीं की जा सकती।
उन्होंने बताया कि विकास जिंदल की मौत हो गई है, उसका शव पोस्टमार्टम के लिए शव गृह में रखवा दिया गया है। उन्होंने बताया कि दूसरे पक्ष के एक घायल युवक का इलाज मोगा के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। मामले की जांच की जा रही है, जांच के बाद बनती कार्रवाई की जाएगी। मोगा से हलचल के लिए निशी मनचंदा की रिपोर्ट। मामला मेरा बेटा था जी जयपुर से, उत्थे कभी बठिंडे रहा, मेरे ब्रदर एस डी ओ सी मेरा देवराजेंद्र वो को रहा हूँ जी। दिवाली करके मैं आया, आ जा बेटा तू भी सानू मिल मुल जाओ। बेटा मेरा दिवाली करके 3-4 महीने मेरा बेटा बाहर ही सीगा जी। पहला सानू मेरे भतीजे थ्रैट आई सी जी, तो राती कहे मुलाजम का फोन आया भी तेरे मुंडे फटे, बंदे फटे दो, तेरे भतीजे मारन वास्ते ना कद उन्होंने बंदे फटे दो, तो फड़े उन्होंने बंदे छाड़ते, उन्होंने वो ही बंदे मार के गए। मेरे मेरा भतीजा तो मेरा लंडी भतीजा तो मेरा बेटा रतन सैल मेरे को लंघे जा रहे थे जी। उन्होंने बंद ने 7-8 बंद ने घेर लिया, एक हीरो सीगा, एक मिट्टू जी, एक मच्छरी, 2-3 बंदे होर सीगे जी। तो उन्होंने घेरा तो मारना लंडी लगे, वज गए मेरे बेटे की गोली। रंजिश जी मेरे मुंडे थ्रैट आई भी है जी, थ्रैट मेरे भतीजे थ्रैट आई भी है जी भी तेन मारना, तेरे लाने तेरे प्यो न मारना, नाले तेरे चाचे नाले तेन मारना जी। बेटा मेरा ना साडी पत्थरी दुकान आ जी मेरी कोटपुर बाईपास ते, ओ पत्थर पुत्थर दा काम करदा, कई बार गड्डियां गुड्डियां लैण जांदा बाहर जांदा जी। बुक चल जी उत्ते उत्ते ही वहे गए सीगे, ते ए लंडी होनी साडे फैर मारने शुरू करते इन्होंने। लंडी ते वीरू 15 ही मुंडे इन्ना होर सीगे, इन्हां कोल 10-15 थले सीगे, साडे फैर मारने शुरू करते। मेरी लत्त 'च 2 फैर वज्जे हुए आ, ते बहुत बाद मैं डै पिया उत्ते, मैनूं कोई सोत नहीं रही। ਬੈਗ ਚੱਲ ਗਈ। ਲੰਡੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਫੈਰ ਮਾਰੇ, ਦੋਵੇਂ ਦੋ ਲੰਡੀ ਨੇ 2 ਫੈਰ ਮਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪੱਟ ਚ। ਆਫਸਰ ਦੀ ਤਕਰਾਰ ਬਾਜੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਜਿੰਦਲ ਜਿਹੜੀ ਸਵੀਰੂ ਇਹਦੇ ਫੈਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਡੈਡ ਹਾਊਸ ਚਲਵਾਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮਿੱਠੂ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਨ ਆਫ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਫੈਰ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨੇ ਜੋ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਪਿਓ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪਿਓ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਲੜਾਈ? ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਲੜਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ, ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੀ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜੀ ਸੀ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤੁਪਤੀ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਡੈਥ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ADS ਵੀਰੂ ਜਿੰਦਲ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਭਾਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। जालंधर के बस्ती दानिशमंदा के अधीन आते कटरा मोहल्ला में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर कुछ युवकों ने हमला कर दिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए धोबी मोहल्ला निवासी पीड़ित दविंदर पाल उर्फ बिल्ला ने आरोप लगाते हुए कहा कि वे बस्ती दानिशमंदा में अपने रिश्तेदार के घर आया था, वहां पर उक्त हमलावरों ने घर में घुसकर उस पर हमला कर दिया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि उक्त हमलावरों ने गोलियां भी चलाईं, गनीमत ये रही कि गोली किसी को नहीं लगी। घटना की सूचना मिलते ही ACP जसप्रीत सिंह, थाना बस्ती बाबा खिल की पुलिस और CIA स्टाफ की टीम सहित मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने मौके पर से एक खोल भी बरामद किया है। इस दौरान ACP जसप्रीत सिंह ने बताया कि उन्हें लड़ाई की सूचना मिली थी, जिसके चलते वे मौके पर पहुंच गए और मामले की हर एंगल से जाँच की जा रही है। जाँच के बाद बनती कार्रवाई की जाएगी। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट।
ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਗਲੀ 'ਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਰ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸ ਪਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਲੀਗਲੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਮੈਟਰ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਟੀਮਸ ਬਣਾ ਕੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। SHO ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਚੌਂਕੀ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਐਸ ਪਰ ਲਾਅ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਰਾਊਂਡ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਜੀ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੈਟਰ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਖੋਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਜੀ? ਇਹ ਹਜੇ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰਦਰ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਹੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਬਟ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਂਹ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਂਹ ਤੇ ਪੱਥਰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੈਰ ਥਲਾ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੰਜਸ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਹੈ ਜੀ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਜੀ ਇਹ ਚਾਬਾਈਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਆ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਲਵੀਰਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਦੀਪਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਵਾਰਿਆ ਹਣੀ ਚੋਚੋ, ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮੁਖਬਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਏ ਸੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸ ਬਾਬਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਦੀਪਾ, ਦੀਪਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਰੀ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਬਾਬਾ ਗੋਪੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੁਬੇ, ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਦੀਪੋ ਬੱਬੂ। ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਰ? ਇੱਕ ਨਾਲ ਅਨਪਛਾਤਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ। ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਰ? ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਬਾਬੂ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਬੱਬੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਜੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਗਏ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਤੁਰੇ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, CP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰੈੱਟ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਵਿਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। सोमवार की देर रात को हुए रामा मंडी के इलाके में रोहित हत्याकांड में शामिल 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंधी DCP इन्वेस्टिगेशन हरविंदर सिंह विर्क ने बताया कि बीती 30 और 31 की रात को एक शिकायत आई थी कि एक घर में कुछ हमलावरों की तरफ से हमला किया गया है, जिस पर पुलिस ने धारा 307 का मामला दर्ज किया था। इस संबंधी कार्रवाई के दौरान उक्त मामले में नामजद आरोपी लाखन को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने आगे बताया कि बीती 13 नवंबर को भी शाम 7 बजे रोहित कुमार का मर्डर हो गया था। रोहित अपने साथियों के साथ बांसा वाली गली से जा रहा था कि इतने में जो 307 के मामले में आरोपी शामिल थे, उन्होंने ही रोहित पर गोलियाँ चला दी, जिस दौरान रोहित की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस संबंधी जांच के दौरान आरोपी गगन और लाखन को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में नामजद अन्य 14 आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। DCP ने बताया कि रोहित हत्याकांड मामले में विवाद महंतों के बीच मांगने को लेकर शुरू हुआ था। एक दूसरे के इलाके में मांगने को लेकर विवाद बढ़ गया था। फिलहाल मामले की गहराई से तफ्तीश की जा रही है। ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਪੰਕਜ ਸ਼ਰਮਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, 307 ਐਂਡ 302 ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਰੀਫਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਆ, ਮਿਤੀ 31 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੀਰ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ 30 ਤੇ 31 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਐਂਡ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 307 ਦਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 307 452 147 149 ਐਂਡ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 307 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥਾਣਾ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ACP ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੇ ADCP ਸਿਟੀ 1 ਮਿਸਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੇ CA ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਿੰਦਰ ਐਂਡ ਸਾਡੇ SHO ਥਾਣਾ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਿੰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਸ ਨੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 15-11 ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਜੋ ਮੇਨ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦਾ ਵਿੱਚ ਲਾਖਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 6 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ NDPS ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 13-11 ਨੂੰ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਸਾ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਆਲੂ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਰੋਹਿਤ ਆਲੂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਜੋ ਰਟਨ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
जी वो गोली जी है सज्जी बखी के जी है रोहित कुमार दे जी है इंजरी होंगी है जिस बाद जी है डैथ हो जाती है। तो इस मुकदमा जोड़ा है दर्ज करके 317 नंबर मुकदमा जोड़ा 302/148/149/25/27/54 आर्म्स एक्ट के तहत थाना राणा रामा मंडी के दर्ज किया गया। एंड इस मुकदमा के असी दो दोषियों जोड़ा है हूँ तक गिरफ़्तार किया है जिस जोड़ा एक गगनना का दोषी है उसनों असी अरैसट किया एंड मेन एक लखनना का जोड़ा है दोषी हैगा इनू अरैसट किया। जी मुढ़ली पुछगिछ के आया कि जोड़े दोनों जोड़े ग्रुप है रोहित आलू का जोड़ा है एंड रटन का ये दोनों जोड़े किन्नर ग्रुप है उन्होंने नाल जो महंत है उन्होंने नाल जोड़ा मंगन वगैरह का कम जोड़ा है करते हैं बधाइया लैन जाते हैं। जालंधर के थाना डिवीज़न नंबर 8 के अधीन पड़ते अमन नगर में प्रीत गिफ्ट सेंटर की दुकान में देर रात दो लुटेरों ने लगभग 7 लाख रुपयों के अलग अलग कंपनियों के मोबाइल फ़ोन और 20,000 रुपयों की नकदी लूटकर फरार हो गए। इस संबंध में जानकारी देते हुए दुकान मालिक इंद्रजीत ने बताया कि जब वे सुबह दुकान पर पहुंचे तो दुकान में चोरी हो गई थी। जब CCTV कैमरे चेक किए तो देखा कि दो नकाबपोश लुटेरे छत का दरवाज़ा तोड़कर दुकान में दाखिल हुए और चोरी करते हुए नजर आए, जिसकी सूचना थाना 8 की पुलिस को दे दी गई है। वहीं मौके पर पहुंचे ASI कुलविंदर सिंह ने बताया कि CCTV में दो लोग नजर आ रहे हैं लेकिन उनका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा। फिलहाल वे मामले की जांच कर रहे हैं। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है। मसला चोरी हुई साढ़े रात को शॉप पे प्रीत गिफ्ट सेंटर सवेरे शॉप खोली उदो पता लगा चोरी हुई है। दो बंदे देख रहे मुंह कवर आना लॉक लगा सी गेट लगे तोड़ के अंदर उन्होंने एंटर की लोहे गेट लगे दो गेट आ तीजी मंजिल हाँ जी पुलिस ने कंप्लेंट की पुलिस लेके लै गए सारा कुछ 8 नंबर अमृतसर पुलिस कमिश्नर नौनिहाल सिंह के दिशा निर्देशों पर गलत तत्वों के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत थाना छरटा की पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब भल्ला कॉलोनी में लूट की नीयत से किए गए कत्ल के मामले में मुख्य आरोपी को काबू किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए थाना छरटा के पुलिस अधिकारी निशान सिंह ने बताया कि गत दिनों भल्ला कॉलोनी में एक बिजली बोर्ड के रिटायर्ड अधिकारी दुकानदार की लूट की नीयत से हत्या कर दी गई थी और आरोपी 9500 रुपयों की नकदी लूटकर फरार हो गए थे। इस मामले में दो आरोपियों को पहले ही काबू कर लिया गया था जबकि इस मामले में मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड अर्शदीप सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है जो कि भिकीविंड का रहने वाला है। ये लोग शहर में लूटपाट की वारदातों को अंजाम देते थे। उन्होंने बताया कि आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा ताकि उससे आगे की पूछताछ की जा सके जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। एक मुकदमा नंबर जिहड़ा 173 मिति 21/8/23 जुर्म 302/397 34/25/27/54 मतलब इन्होंने रजिंदर कुमार का भल्ला कलोनी के तिना व्यक्तियों ने जिहड़ा कतल करता सी लुट खो करन आए सी उहदे च दो दोषी जिहड़े आ पहला ही गिरफ़्तार हो चुके सी। इह जिहड़ा मास्टर माइंड सी अर्शदीप सिंह उर्फ कोहलू पुत्र मत्ता सिंह वासी पिंड पहलवान के थाना भिकीविंड यदि गिरफ़्तारी बाकी सी जिहड़ा कि इहनू सीक्रेट इनफॉर्मेशन ते जिहड़ा कि कल असीं जिहड़ा इत्थे सन साहब गदामा दे लागू जिहड़ा गिरफ़्तार किया वारदात दे विच वरत्या जिहड़ा पिस्टल सी वह भी असीं इस तों बरामद कर लिया। हुण इहदा पुलिस रिमांड लैके
जिहड़ी बरीकी दे नाल जिहड़ी पुछगिछ कीती जाएगी। छठ पूजा के लिए जालंधर से बहुत से लोग यूपी बिहार जा रहे हैं, जिसके चलते ट्रेनों में भीड़ साफ तौर पर दिखाई दे रही है। तो वहीं ट्रेनें पूरी तरह से खचाखच भरकर जा रही हैं और कुछ लोग अपनी जान का खतरा मोल लेकर लटक कर भी जा रहे हैं, जिसके चलते पुलिस प्रशासन उन्हें रोकता हुआ भी नजर आ रहा है। लेकिन उनका कहना है कि कुछ भी हो उन्हें तो वहां पर पहुंचना ही है। लोगों का कहना है कि इस बार छठ पूजा को लेकर जाने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है। काउंटर पर जाते हैं तो टिकटें खत्म हो चुकी हैं, लेकिन लोग जनरल डिब्बे में भर भर कर जा रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि बुरी तरह से धक्का मुक्की हो रही है, लेकिन छठ पूजा के लिए अपने गांव जाना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये त्यौहार उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं कुछ लोग चलती ट्रेन में भी चढ़ते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि वे सरकार से भी कहना चाहते हैं कि इन दिनों में ट्रेनों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, ताकि किसी को परेशानी ना हो। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। वो मैं दो बंदे थे वो जो शहीद ने जा रहे थे, बंदे गेट पर खड़ा हुआ था, बहुत भीड़ थे, वो अंदर जाने नहीं दिया, बंदे चलने के टाइम में वो गिर गया। आप कहाँ जा रहे हो? मैं अभी तो यहीं पर हूँ। छठ के लिए जा रहे हो? छठ पूजे के लिए जा रहे थे। कितना भीड़ दिख रहा है ट्रेन में? ट्रेन में तो बहुत भीड़ है सर। टिकट तो सर मैं बैटिंग करवाए थे, मैं जो चढ़ने के मौके नहीं मिला सर, इतना भीड़ है गेट पर। लोगों को धक्के पड़ रहे, क्या कारण है? सरकार सही नहीं है सर। अभी छठ पर्व ने इसको स्पेशल ट्रेन देना चाहिए, गाड़ी देना चाहिए। जनता की इतना परेशानी है यहाँ पर प्लेटफार्म पर, क्या किया जाए? हम लोग मजबूरी हैं। जो पैसे वाले वो तो ऐसी नहीं जा रहे हैं, जिसके पास पैसे नहीं तो रिजर्वेशन नहीं जा रहे हैं, रिजर्वेशन में भी चढ़ने के मौका नहीं मिलते हैं। हम जलंधर से जा रहे हैं बिहार। बिहार में क्यों जा रहे हो? बिहार में जाते हैं छठ पर्व करने के लिए। हर साल जाते हो आप? हर साल। कितने सालों से लगातार जलंधर से जा रहे हो? हम यहाँ कम से कम 25 साल से जा रहे हैं। जो रश है कैसा देखने को मिलता है? रश यहाँ बहुत है, अब की बार इतना रश कभी नहीं था। अच्छा, तो टिकट वगैरह मिल रहे हैं? टिकट भी अभी कहाँ दे रहा है, टिकट भी नहीं दे रहा है अभी। जो ट्रेनें आ रही है भर भर के जा रही है? बहुत। वहाँ पर कैसा माहौल है, बात हो रही होगी? वहाँ तो बहुत भीड़ है। भीड़ है यहाँ पर? बहुत भीड़ है। डूबते सूरज को पूजा किया जाता है बिहार में, सबसे बहुत महत्वपूर्ण पर्व होता है बिहार का, इसलिए हम लोग घर जा रहे हैं। एक मैं बात करूं जो खासकर यूपी बिहार से आते हैं उनके लिए बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। हाँ जी, बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। तो फिर जो घर में भी तैयारी हो रही, तो यहाँ पर रश कैसा देखने को मिलता है जब भाई सारे इकट्ठे होकर जा रहे हैं आप? यहाँ पर तो बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे भीड़ काफी है। अभी घर जाने का मौसम, दिल में जज्बा है कि घर जा रहे हैं, हमारा छठ पर्व है। ट्रेन रद्द हो जाए तो हम लोग को बहुत नाराजगी हो जाएगा। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के स्थापना दिवस के संबंध में दीवान हाल गुरुद्वारा श्री मंजी साहिब में श्री अखंड पाठ साहिब जी के भोग डाले गए। गौरतलब रहे कि श्रोमणि कमेटी की स्थापना 15 नवंबर 1920 में श्री अकाल तख्त साहिब पर हुई थी और सिख पंथ की इस धार्मिक जत्थेबंदी ने अपने एक सदी के सफर के दौरान सिखी प्रचार के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, मानव भलाई के क्षेत्र में वर्णनीय कार्य किए हैं। श्रोमणि कमेटी के प्रबंधकों द्वारा स्थापना दिवस के अवसर पर श्री अखंड पाठ साहिब जी के भोग डाले गए। इस अवसर पर कमेटी के सदस्य गुरचरण सिंह गरेवाल ने बताया कि सिख पंथ की महान धार्मिक संस्था श्रोमणि कमेटी का इतिहास कुर्बानियों से भरा है और इसने अपनी स्थापना से लेकर अब तक पंथ को संगठित करने के लिए अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि सिख पंथ की 103 वर्ष पुरानी इस धार्मिक जथेबंदी का स्थापना दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य इसके लिए कुर्बानी देने वाले महान लोगों को याद करना है, वहीं मौजूदा पीढ़ी को अपने अमीर विरसे से अवगत करवाना भी है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। गीता मंदिर मॉडल टाउन जालंधर में अन्नकूट गोवर्धन पूजा पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान पंडित सोमनाथ पाठक ने मंत्रोच्चारण सहित गोवर्धन पूजा को संपन्न करवाया, जिसके पश्चात अन्नकूट पर्व पर भव्य लंगर का आयोजन भी किया गया।
इस अवसर पर प्रधान विजय खुल्लर, सचिव संदीप शुक्ला, उप प्रधान मनोहर लाल चोड़ा, सह सचिव प्रदीप कुमार बांकेलाल पुरी, शशि वर्मा, सुभाष वर्मा, प्रवीण आहूजा, मदन लाल, अतुल कुमार, पंडित राम किशोर, पंडित सत्य प्रकाश, पंडित मोहन पांडे, बी आर कपूर, गोपाल कृष्ण सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन राजवीर की रिपोर्ट। जय श्री कृष्ण। बोल बांके बिहारी लाल की। अज का जरा मेन उत्सव साढ़ा गोवर्धन पूजा का, जो कि हर साल की तरह दिवाली तो अगले दिन बड़ी श्रद्धा भावना के नाल गीता मंदिर मनाया जाता है। ये साढ़े सारे ही जिन्हें मैंबर साहबान पूरी हाजिरी भरते हैं, ये पंडित सोमनाथ जी पाठक साढ़े हज पुजारी जी, वो कीर्तन से अरदास करके हुणे निकले हैं इतों, तो इस दे नाल पूरा कीर्तन का जरा सत्संग है, और इन्ह के नाल सहयोगी जड़े मोहन पांडे जी, पंडित राम किशोर जी, पंडित ओम प्रकाश जी, पंडित सारे ब्राह्मणगण सारे इन्हों के नाल पूरा सहयोग करते हैं। तो साढ़े आज मेरे नाल वाइस प्रेजिडेंट श्री मनोहर लाल चोड़ा जी, जनरल सैकटरी साढ़े संदीप शुक्ला जी, ये भी नाल विराजमान हैं। तो सारे ही खास करके असी दैनिक सवेरा दे अपना मुख संपादक श्री शीतल विज जी नूं बहुत बहुत मुबारकबाद दिंदे हां, जिहड़े कि साढ़े गाहे बगाहे कोई भी फंक्शन हुंदा गीता मंदिर विच, अज दा नहीं पिछले 20-25-30 सालां तों जदों दा ही इन्हां ने चैनल शुरू कीता ते दैनिक सवेरा शुरू कीती, उस तों वैरी बिगनिंग दा ही इस गीता मंदिर नाल जुड़े हन। शीतल विज जी नूं अज दे शुभ उत्सव ते बहुत बहुत मुबारकबाद दिंदे हां, खास करके उन्हां दे नाल सारा स्टाफ, उन्हां दी जिन्ना दैनिक सवेरा दा मैनेजिंग डायरैक्टर, जिन्हें भी सारे डायरैक्टर साहबान आ, उन्हां नूं बहुत बहुत मुबारकबाद दिंदे हां। प्रभु की कृपा दे नाल असी अरदास करदे हां कि दैनिक सवेरा ते हलचल चैनल दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियां करन, ते गीता मंदिर दे विच वी जिहड़े वी अज जी इत्थे नतमस्तक हो के चले आ, सब दियां अपनी अपनी मनोकामना पूर्ण होण। जो भी शरीर इत्थे आए हन, अपना हर साल इत्थे हाजी पूरी भरदे हन, प्रभु की कृपा दे नाल लंगर दी जिहड़ी व्यवस्था खास करके कीती गई है, वो भी साढ़े
संगत के सहयोग के नाल की जाती है। उस वर्मा परिवार है, ऊजा परिवार है, होर जड़े परिवार है जिन्हों के नाम नहीं भी ले सकते, सारे ही असी गीता मंदिर कमेटी की तरफ तो बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद, जय माता दी। पंजाबी गायक अमर संधू की ओर से अमृतसर में एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने अपने नए गीत धी रानी के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वे अपने पहले गीत बापू तेरे करके के बाद अब धी रानी गीत लेकर मीडिया के रूबरू हुए हैं। उन्होंने बताया कि वे अपने पहले गीत की अपार सफलता के बाद अब ये अगला गीत लेकर आ रहे हैं और वे उम्मीद करते हैं कि पहले गीत की तरह इस बार भी उनके गीत को पूरा प्यार मिलेगा। वहीं इस गीत में लीड रोल निभाने वाली ईशिता ने बताया कि इस गीत को फिल्माने वाली सारी कहानी उनकी असल जिंदगी से संबंधित है और इसमें उन्हें दोबारा अपना बचपन जीने का मौका मिला है, जो कि एक ना भुलाई जाने वाला पल है और लोग इस गीत को महसूस करें व अपना प्यार दें। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। गाने बहुत आए हैं, तुम यूट्यूब पर जाके जरूर देख सकते हैं, है ना। तो सब तो पहला गाना मैं तुम्हें दस सकता जी, साड़ा माड़ी टाइम गाना आया सी जी, जिन्होंने PTC म्यूजिक अवार्ड मिलिया। सो उन्होंने बेस्ट सॉन्ग विद मैसेज का अवार्ड मिलया थोड़े सारे दा वालों ही वो। सो उस तो बाद फिर लाइन लगी रही है ना, वेख तेरे मेरे ब्याह में लोग कहे दिवाली है ना, लव यू ट्रक भर के मेरी मिठी है ने मेरी सोहनी है। उस तो बाद टी सीरीज़ तो भी बहुत सारे गाने आए, प्यार तेरा चंगा लगता, बहुत सारे गाने, बहुत तो ही सारे ने प्यार दिता है गाणिया। तो फिर बापू तेरे करके ने एहो जी मतलब पछाण बनाई है, तो वो मेरे ख्याल रही दुनिया तक वो गाना रहूगा। ठीक है जी, मैं एक छोटी जी गल कहनी चाहूँगा जी, जिहड़ा बापू तेरे करके गाणा आ साडा एक मोटिव सीगा जी, भी वो जिहड़ी चीज़ साडे वल्लों डिलीवर होवे, ते मैनू इदां दे वो गाने करके बड़े मैसेजेस कॉल्स आईयां ने, भी कहिंदे यार असी ना गाना सुन के ना सानू पता लग्या भी फादर दी वैल्यू की आ, भी यार असी तां ऐ ही कहिंदे भी समझदे यार बापू बा उई यार है ना, भी असी बुढ़ा बुढ़ा कह के गल करदे सी है ना बापू नू, पर कहिंदे नहीं, कहिंदे गाना सुन के सानू भाजी फील होया भी कहिंदे भी गाणा भी वह बापू नू दर्शाउंदा, ते बापू चीज़ की साडे लई भी किन्ना कुछ करदा है ना। जो अज इहनां दा सॉन्ग लॉन्च होया ਧੀ ਲਾਡਲੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੌਂਗ ਸੀ ਬਾਪੂ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਗਲੋਬਲੀ ਬਹੁਤ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋਇਆ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਾਣਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਮੇਨ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਗਾਣਾ। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बाल व युवा गायकों ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर गायक विजय कौड़ा ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की, जिसके बाद वीनू सहगल, गोपाल पांडे, बिनी सावरिया, चंद्र, कन्हैया डोली, राजेश शर्मा और मीनाक्षी ने माँ भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। इस दौरान कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, मंच संचालक बलदेवानंद और रमन शर्मा ने आई हुई भजन मंडलियों को मां की चुनरी देकर सम्मानित किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। I
मकसूदा की फर्म गोपालदास मनोहर लाल के प्रमुख आरती व मार्केट कमेटी के पूर्व उप चेयरमैन व वरिष्ठ भाजपा नेता सुभाष ढल के पिता मनोहर लाल ढल अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में विलीन हो गए हैं। उनका अंतिम संस्कार हरनामदासपुरा स्थित शिवपुरी शमशान घाट में किया गया। अंतिम संस्कार के दौरान महानगर के सभी धार्मिक सामाजिक राजनीतिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों सहित मंडी जगत के असंख्य कारोबारियों ने दिवंगत आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक एवं
सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रधान शीतल विज, पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोरंजन कालिया, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, पूर्व मेयर जगदीश राज राजा, पूर्व डिप्टी मेयर हरसिमरनजीत सिंह बंटी, राकेश धीर, पविंदर बहल, डिम्पी सचदेवा, ओम प्रकाश भांवरी, माँ चामुंडा नंदीकेश्वर लंगर कमेटी के कमल किशोर सिक्का, जुगल साहनी, आशु ढल, बंसी लाल ढल, राजू मखीजा, रजनी मखीजा, अजय होंडा, प्रवीण मल्होत्रा, अमित मल्होत्रा, महेश मखीजा, ममता मखीजा, मनमोहन कृष्ण, अमरजीत सिंह, विजय कुमार मक्कड़, महेंद्र पाल, रविशंकर, वेद प्रकाश बलूजा, यशपाल कली, पप्पू बलूजा, गुलशन डिंपल, किशन लाल अरोड़ा, दविंदर गिरधर, कमल मल्होत्रा, पवन राजू ने पारिवारिक सदस्य सुभाष ढल, कविता ढल, शेखर ढल, सुमित ढल, गुड़िया शालू और मनु ढल से सांत्वना प्रकट की। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर। फिर जंडियाला गुरु के तरनतारन रोड पर एक नौजवान की मौत का मामला आया सामने, पारिवारिक सदस्यों ने लूट की नीयत से हत्या का लगाया आरोप। मोगा के रत्न सिनेमा के पास गोली लगने से दो युवक हुए घायल, एक की इलाज के दौरान हुई मौत। जालंधर के अधीन आते कटरा मोहल्ले में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक पर कुछ युवकों ने किया हमला, चली गोलियां। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।